शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू डैड। मैंने तुझे कितनी बार बोला मुझे डैड मत बुलाकर। सॉरी डैड। ये तो बड़ा तेज है यार, अभी तक शादी नहीं हुई और बच्चे संभालने की प्रैक्टिस हो रही है। कौन है बच्चा? ये मेरी सजा है। सजा का नाम क्या है? मेरा नाम है कबीर धनराजगिर। बड़ा अच्छा नाम है। क्या बोला? कबीर धनराजगिर, मैं इनका बेटा हूँ। सूरज, ये तेरी कहाँ की किरण है? मुझे खुद को नहीं मालूम है यार। हाँ, ये सब क्या है? अब ये भी बताना पड़ेगा। आइसक्रीम तो अच्छी थी, डैड भी अच्छे हैं। सैंडी मुझे समझ में नहीं आता कि मुझसे डरते क्यों है। मुझे कुमार का टेंशन है यार, और मुझे कबीर और सैंडी की। अरे कबीर और सैंडी को कहाँ रखेंगे? अकेले तो रह नहीं सकते और घर में हम रख नहीं सकते। जब तक इनका कोई बंदोबस्त नहीं हो जाए इनको घर पे रखना पड़ेगा। क्या? हाँ और क्या। सूरज जी, दादाजी, मैंने कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी। दादाजी ये नई बीमारी है, आपने काली खांसी सूखी खांसी सुनी होगी, ये कुत्ता खांसी है। खांसने वाले के मुंह से कुत्ते की आवाज निकलती है। बकवास बंद करो, तुम लोगों ने फिर से देर से आना शुरू कर दिया। कहाँ से आ रहे हो? दादाजी हम लोग एक मीटिंग से आ रहे हैं। मीटिंग? एक मीटिंग में फंस गए थे दादाजी। एक फ्रेंच ग्रुप है जो हमारे साथ मिलकर होटल खोलना चाह रहे हैं। कौन सा ग्रुप? फ्रेंच ग्रुप। फ्रेंच ग्रुप। क्या नाम है इस ग्रुप का? वो चिन टुन टुन तलांग, क्या नाम है? कल सुबह आपको रिपोर्ट दे देंगे। अच्छा ठीक है, जाकर सो जा। जी दादाजी। अरे आप खड़े खड़े हिल क्या रहे हो? दादाजी दुनिया में हम आपके बाद ही आए हैं, हर काम आपके बाद ही करेंगे। ये कुत्ता फिर भौंका? कुत्ता नहीं भौंका, महेश खासा। तो मैं ऐसा करूं महेश, गोली खा लो। जी अच्छा, थैंक यू दादाजी। सुने दादाजी? हाँ करो। हाँ दादाजी, हम जानते हैं पहले आप पैदा हुए, उसके बाद मेरे पिताजी पैदा हुए, और उसके बाद मैं। सीधे खड़े रहो। जी दादाजी। बड़ी खतरनाक खांसी है महेश को। अबे मरवाएगा क्या? बच गया। कुत्ता इधर इधर। कबीर तुम इधर आ जाओ, तुम्हारा बिस्तर बन चुका है। और सैंडी तू हिलना नहीं और भौंकना नहीं, तो उठा के बाहर फेंक दूंगा, सुबह तक कैंडी बन जाएगा। डैड, एक बात पूछूं? तुझे कितनी बार बोला मुझे डैड मत बुलाकर? ओके, नहीं कहूंगा। पूछो, क्या पूछना है? वो बुद्धा जो मिला था वो आपके दादाजी हैं? क्या तमीज से बात करो। हाँ वो मेरे दादाजी हैं। इसका मतलब वो मेरे परदादाजी हैं? अगर तुम मेरे बेटे हुए तो। आपको मुझ पर अब भी शक है? गुड नाइट। गुड नाइट डैड। सॉरी, गुड नाइट सर। अब आप चुपचाप सो जाइए। टैक्सेशन की फाइल्स का क्या हुआ? वो सूरज बाबा के पास है। दादाजी मेरे पास है, आप ऑफिस चलिए, मैं आपको ऑफिस में दिखाता हूँ। ऑफिस? क्या?
ये तुम क्या इशारे करते जा रहे हो महेश? जी कुछ नहीं। पर ऑफिस तो आज ऑफिस और बच्चा बच्चा बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। दादाजी आपसे छुपा रहा है, इसके पेट में बहुत तकलीफ है। क्या बात कर रहे हो सूरज, पेट में दर्द है क्या? नहीं दादाजी, बस ऐसे ही कुछ। दवा दूं? आप अपनी दवा अपने पास रखिए। सिंह साहब। यस सर। जरा डॉक्टर अग्रवाल को फोन करिए। जी सर। दादाजी मामूली सा दर्द है, वो पेरिस की पार्टी को मुगलाई खाना खाना था, उनको तो कुछ नहीं हुआ, मेरा पेट खराब हो गया। मेरे ख्याल से बेटा तुम घर पर बैठकर थोड़ा आराम करो, सेहत बहुत जरूरी होती है, काम तो कभी भी होता रहेगा बेटा। दादाजी मैं भी रुक जाता हूँ सूरज की देखभाल के लिए। सिंह साहब जी ऐसा करिए, आप भी रुक जाइए। ओके। दादाजी अगर ये रुक जाएंगे तो आपके साथ जाएगा कौन, आपकी देखभाल कौन करेगा? मैं अपनी देखभाल खुद कर लूंगा बेटा, सिंह साहब का यह रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपकी देखभाल करेंगे। अच्छा अच्छा बेटा। जी दादाजी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दवाई ठीक से खा लेना, महेश दवाई खिलाना। ओके चलो भाई। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कबड़ में रख देना। चल और ये पूरा नाश्ता खा लेना और खड़े रह के खाना। ओके अरे भौंक भौंक के पूरे मोहल्ले को उठाएगा, कुछ कर यार। चुप हो जा मेरे बाप, तू पूरे शहर को उठा देगा। ए कबीर जरा तो चुप करा। क्या से? तो चुप करा प्लीज, चुप चुप करा। क्वाइट सैंडी क्वाइट। थैंक यू। अब जरा इसे बिस्तर से नीचे उतर। सैंडी गो डाउन। मेहरबानी भाई नीचे उतरा। अब बताइए क्या हुक्म है मेरे आका? डैडी मुझे जोर की भूख लगी। मैंने तुझे ठीक है, तू जा इसके लिए कुछ नाश्ता वाश्ता लेके आ, और इस कुत्ते के लिए कुछ बोटी वोटी लेके आ। यस यस। थैंक यू। एक ये क्या है? ये नाश्ता। ओ हाँ नाश्ता है, लेकिन नाश्ता तो तुम सुबह कर चुके हो ना? मेरा नहीं सूरज का है। ओ सूरज का है, लेकिन सूरज ने भी सुबह नाश्ता कर लिया है, और मेरे ख्याल से उसके पेट में दर्द भी है, और मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जब पेट में दर्द हो तो कुछ नहीं खाना चाहिए। देखिए ये दादाजी के जमाने का इलाज छोड़ दीजिए, भूल जाइए उसे, नया ट्रीटमेंट ये है कि पेट में दर्द हो तो इतना खाओ कि दर्द के लिए जगह ना बचे। एक मिनट, ये कटोरे में दूध किस लिए? मुझे खांसी है ना, कुत्ता खांसी, इसका टोटका ये है कि कुत्ते की तरह पियो तो खांसी। और चाहिए डैडी और लाएंगे। कबीर कबीर कहाँ चले गए? कबीर कबीर कबीर। जी साहब। जी साहब क्या हुआ सूरज बाबा, किसे पुकार रहे हो? इस घर में कबीर नाम का कोई नहीं है। ये है ना कबीर। मेरा नाम हरी है साहब। हरी हो या कबीर क्या फर्क पड़ता है, पीटर चाय लेके ना। पीटर जॉन चाय लेके ना। बाबा जॉन लिया क्या? सिंह अंकल कट तो कट। ओह गुड गुड, बोलिए बोलिए क्या चाहिए? मुझे चाय चाहिए।
जाओ साहब के लिए चाय लाओ जी। जाओ। लगता है पेट का दर्द दिमाग में चढ़ गया है, डबल डबल नाश्ता करेंगे तो यही होगा। तुझे कितनी बार मैंने बोला कि रूम से बाहर मत निकला कर। चिल्लाइए मत, कोई सुन लेगा, मुझे भी चिल्लाना आता है। तो सुन, अगर तुझे बाहर किसी ने देख लिया होता तो आप फंस जाते डैडी। मैंने तुझे कितनी बार बोला कि मुझे डैडी मत बुलाया कर, मत बुलाया कर डैडी। उठा अपने पालतू कुत्ते को और चल। कम सैंडी। हाय कोमल। हाय। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। लेकिन दादाजी तो कहा था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे सर में दर्द है। तुम्हारे सर में दर्द है तो पेट क्यों पकड़ा है? वो क्या है ना कि मेरे सर का दर्द मेरे पेट तक आ गया। तुम इतने घबराए से क्यों हो? कहाँ घबराया हूँ मैं? इतने दिन बाद मिले हो, तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल खुशी है। क्या कह रही हो, कमाल कर रही है। खुशी खुशी है, खुशी खुशी बहुत। क्या छुपा रहे हो? अरे मैं क्या छुपाऊंगा तुमसे। ऊपर चले। ऊपर चले, लेकिन अंदर क्या है? अंदर कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा गंदा सा कमरा है। चलो ऊपर चलते। गंदा सा कमरा है तो मुझे अंदर जाने दो। कोमल, तुम मुझ पर शक कर रही हो? हाँ सूरज, मैं तुम पर शक कर रही हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझ पर शक करोगी। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है और तुम मुझ पर शक कर रही हो। हाँ। तुम अंदर जाना चाहती हो? हाँ। अंदर जाना चाहती हो तुम? हाँ। ठीक है तो जाओ, लेकिन जाने से पहले मेरी बात सुनो। वाव, दिस इज फैंटास्टिक, इट्स सो क्यूट। सूरज, तुमने ये कमरा मुझसे छुपाया क्यों? ये तुम्हारे बचपन का कमरा है ना? हाँ है। तो फिर तुम इतने डरे हुए क्यों थे? क्योंकि जब भी मैं यहाँ आता हूँ मेरे बचपन की यादें ताजा जाती हैं। I'm sorry. अब ऊपर चलें। अब ऊपर चलें। It's so beautiful here. हाँ है। लेकिन तुम कुछ टेंशन में लग रहे हो। कोमल, मेरा एक दोस्त लंदन में, उससे गलती हो गई। उसका एक अफेयर हो गया किसी लड़की के साथ। अच्छा? वो लड़की तो मर गई लेकिन एक बच्चा छोड़ गई। अब प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी बीवी को बता नहीं सकता और बच्चे को छोड़ नहीं सकता। फिर तुमने क्या कहा उससे? मैंने उससे कहा, देखो यार, बीवी से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, है ना? अगर बीवी तुमसे सचमुच प्यार करती है तो वो बच्चे को अपना लेगी और तुम्हें माफ कर देगी। तुमने ऐसे कहा उससे? हाँ। बिल्कुल गलत कहा। क्यों? अगर तुम्हारे दोस्त की बीवी को एक बच्चा हुआ किसी दूसरे आदमी से, तो क्या तुम्हारा दोस्त उसे अपनाता? पॉइंट है। अगर मैं उसकी बीवी की जगह होती ना, तो उसे ऐसी सजा देती कि वो जिंदगी भर नहीं भूलता। कैसी मतलब? जो भी मिलता उसे अफेयर कर लेती है? उसे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ती कहीं। हाँ। मैं कुछ ज्यादा बोल गई? बहुत ज्यादा बोल रही हो, बहुत ज्यादा बोल रही हो। लेकिन हम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हैं? ये प्रॉब्लम हमारी तो नहीं है ना? दादी जी, उसको कल अचानक लंदन जाना पड़ा। उसके दोस्त का फोन आया था कि उसकी बहुत तबीयत खराब है, सूरज का बहुत मूड खराब हो गया और वो इमरजेंसी में यू नो चला गया। मगर मुझे बताकर भी तो जा सकता था। वो क्या है सर, जिंदगी सबसे कीमती है मगर दोस्ती जिंदगी से बढ़कर। और शट अप। क्या हुआ? शेर बोला था, समझ में नहीं आया। एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन इससे पहले हम एक टेस्ट लेते हैं ताकि हमें पता लग सके कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है और उसे किस क्लास में दाखिल करना चाहिए। इस पेपर को सॉल्व करो। येलो पेन। थैंक यू। Yes, I'm coming. Excuse me, please. मदद करूँ क्या? जरूरत नहीं है।
अरे तुमने इसे सॉल्व कर दिया? यस मैम। वेरी गुड, द पेपर्स प्लीज। थैंक यू मिस्टर धनराजगिर, आपका बच्चा तो जीनियस है। ऐसा बच्चा को एडमिशन देकर मुझे बहुत खुशी होगी। आप नेक्स्ट मंडे आइए, एडमिशन हो जाएगा। डियर, आपकी सारी शॉपिंग हो गई है। शूज, बैग्स, बुक्स, मेडिसिन, क्लोथ, स्टेशनरी, टिफिन बॉक्स, वाटर बॉटल, क्रेयॉन, स्कूल बैग। अरे तुम मुझे ऐसे क्यों दिख रहे हो? क्या बात है? एक बात पूछूं? पूछो। आप मम्मी को बहुत प्यार करते थे। हाँ, फिर आपने मम्मी से शादी क्यों नहीं की? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, उन्हें क्यों छोड़ दिया? अब मैं तुझे क्या जवाब दूं? अच्छा ये बताइए, मम्मी कैसी लगती थी? बहुत अच्छी। मेरा मतलब देखने में कैसी थी? मैं याद नहीं तुम्हारी मम्मी कैसी थी। मैं तो बहुत छोटा था जब वो मर गई। मुझे तो मेरी नानी ने पाला है। कैसी थी मेरी माँ? उसके बाल एकदम छोटे छोटे थे, सुनहरी कलर के। उसकी आंखें मोती की तरह बड़ी बड़ी थी, बिल्कुल मेरी तरह। उसकी नाक छोटी सी, क्यूट सी नाक, बिल्कुल तेरी तरह। थोड़ी सी सावली थी, लेकिन चेहरे पे कोई दाग या तिल नहीं था। उसके होंठ बड़े प्यारे से थे, उसकी उंगलियां। क्या हुआ, कुछ गलत कह दिया मैंने? सब झूठ बोला आपने। मेरी मम्मी वैसी नहीं थी जैसे आपने बोला। ऐसी थी मेरी मम्मी। आपको तो मेरी मम्मी की शक्ल तक नहीं याद है। और मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपको अपना डैडी बोलना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे स्कूल में दाखिल कर दिया। अब और कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, मुझे आकर मिलने की जरूरत नहीं है। मैं रह लूंगा अकेला जैसे आज तक रहता आया हूं। के साथ 2-3 महीनों से है, और इन 2-3 महीनों में मैंने कम से कम 1000 बार तुमसे कहा होगा, सूरज आई लव यू, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं कहा। क्यों सूरज, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? डोंट यू लव मी? देखो, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम मेरी सारी बुराइयां जानती हो और मैं तुम्हारी सारी अच्छाइयां। मैं तुमसे एक बात कहूं? हाँ कहो। देखो लव है ना, लव वो थोड़े दिनों के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन दोस्ती
कभी नहीं खत्म होती, हमेशा जिंदा रहती है। सूरज, तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत सी लड़कियां आएंगी, हो सकता है तुम्हें सचमुच किसी से प्यार भी हो जाए, मगर मेरी जिंदगी में तुम पहले और आखिरी मर्द हो जिसे मैंने दिल से चाहा है। I really love you, सूरज। कबीर, कबीर, गुड मॉर्निंग कबीर, गुड मॉर्निंग सैंडी। कबीर, I'm sorry. I'm sorry. Kabir, I'm sorry. It's all right. Thank you. अब जल्दी से नाश्ता कर लो और उसके बाद हम लोग पिकनिक पे चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, आप मुझे हॉस्टल छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं चलना तो मत चलो, मैं और सैंडी चले जाएंगे। साला कुत्ता कहीं का। गुड सैंडी। अरे मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, मेरे आड़े, मेरे टेढ़े, चलना पिकनिक पे। मैंने कहा ना एक बार मैं नहीं जाऊंगा। अबे तू क्या, तेरा बाप भी चले। हेलो कोनान। कोमल कैसी हो? मुझसे बात मत करो। अरे ऐसा नहीं कहो, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी मैं तो मर जाऊंगा। तो फिर मुझे बिना बताए गए क्यों? बहुत जरूरी काम आन पड़ा, यहाँ तक कि मुझे तुम्हें फोन करने का टाइम भी नहीं मिला। तो फिर आज टाइम कैसे मिला? तुम्हारी कसम, तुम्हारी बहुत याद आ रही मुझे। तो बताओ अचानक इस तरह तुम चले क्यों गए? ये मैं तुम्हें आके बताऊंगा। लेकिन तुम आ कब रहे हो? आंखें बंद कर लो, अभी आ जाता हूँ। मजाक मत करो सूरज, बताओ ना। परसों। प्रॉमिस? आई मिस यू एंड आई लव यू वेरी मच स्वीटहार्ट। पैंट नहीं पहन के? पहना है ना, शॉर्ट्स। चल के सर। अभी तक सोए नहीं आप? मुझे अकेले में नींद नहीं आती, डर लगता है। फेरी टेल्स पढ़ा कीजिए, बहुत अच्छी नींद आएगी। फेरी टेल पढ़ने में नहीं, सुनने में बहुत अच्छी नींद आती है। और मेरा इस दुनिया में कौन है जो मुझे फेरी टेल सुनाएगा? आपकी मम्मी आपको कहानियां नहीं सुनाती थी? जब मैं बहुत छोटा सा था ना, तो मेरे मम्मी और मेरे डैडी एक प्लेन क्रैश में मर गए। हाँ, दादाजी ने बहुत कोशिश की कहानी सुनाने की, लेकिन जैसे वो अपना मुंह खोलते कहानी सुनाने के लिए, मैं सो जाता। मैं आपको कहानी सुनाऊं? एक था बाप और एक था बेटा। नहीं नहीं, ये नहीं, दूसरी। एक था फादर और एक था सन। दोनों पिकनिक पर गए, बीच में टायर पंक्चर हो गया।
सुन कबीर, मैंने तेरा सब इंतजाम कर दिया है। मैं वॉर्न को पैसे दे दिए तेरे पॉकेट मनी के लिए। चौकीदार से कहा है कि संडे के संडे तुझे सैंडी से मिलने ले जाएगा। मैं भी तुझे मिलने आऊंगा। जब भी तुझे मेरी याद आए या मेरी जरूरत पड़े मुझे फोन कर देना। थैंक यू सर। बाय सैंडी। चल रहा हूँ ना तुम जल्दी जल्दी में खिलाते हो इसे सारा गड़बड़ करते हो मेरा। अच्छा चलिए। हाँ चल रहा हूँ। अब अगर मैं क्या कर रहे दादाजी, एक तो तुमसे नमक खेलना बंद कर दूंगा। अब अगर मैं इसको यहाँ अगर से... आप इसकी जगह अपना घोड़ा चलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा मिस्टर धनराज गिर। हाँ ये तो है। कौन हो तुम? कबीर धनोआ है, ये मेरे दोस्त का बेटा है। इसकी माँ मर गई और इसकी सौतेली माँ से रखना नहीं चाहती, इसलिए मैं इसे यहाँ पे ले आया। ये तो कमाल का लड़का है और चेस का तो जीनियस है। बेटा तुमने शतरंज खेलना किससे सीखा? अपनी माँ से मिस्टर धनराजगीर। देखो बेटा धनराजगीर मैं बाहर के लोगों के लिए हूँ, यहाँ सब मुझे दादाजी बुलाते हैं। लेकिन मैं आपको दादाजी नहीं कहूँगा मिस्टर धनराजगीर। क्यों? क्योंकि आप इन दोनों के दादाजी हैं, तो मेरे परदादाजी हुए। I am very happy to see you. So am I. Really? Come on, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। I am sure you will like it. आओ। चलो अच्छी शुरुआत हुई। इतनी सी शीशी लेकिन इतनी पावरफुल है कि एक डोज में आधी बीमारी दूर कर दी। दादा का दादा निकला यार। आओ बेटा। अरे वाह, इतने सारे खिलौने, यहाँ कोई और भी बच्चा रहता है? नहीं, ये सूरज के बचपन का कमरा है। कैसा लगा बेटा? बहुत अच्छा। आज से सारे खिलौने तुम्हारे और ये कमरा भी तुम्हारा बच्चे। हाँ थैंक यू। और आपके घर में सब नकली जानवर है, कोई असली जानवर नहीं है? असली मेरा मतलब गाय, भैंस, भालू, बंदर, घोड़ा या फिर... हाँ समझ गया बेटा। पर क्या है ना बेटा, ये घर है, चिड़ियाघर नहीं है। हा? तो फिर आप डॉगी तो पाल सकते हैं। ना डॉगी हरगिज नहीं, मुझे डॉगी से एलर्जी है। क्यों? वो इसलिए कि एक बार
मेरे अपने कुत्ते ने मुझे काट लिया था। उस दिन के बाद मैंने फैसला कर लिया कि इस घर में हर कोई आ सकता है लेकिन डॉगी नहीं आ सकता, समझ गए? अब तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ। डॉगी नहीं आ सकता, क्यों वो सैंडी? सुनो, अगर ये सैंडी अंदर आए ना तो तुम हमेशा के लिए बाहर जाओगे, समझे? और ये कुत्ते ने काट खाया तो? अगर कुत्ते ने काट लिया तो तुम्हें 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, अगर मैंने काट लिया ना तो तुम्हें पूरे 140 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, समझे? जो बोल रहा हूँ वो करो, पकड़ो से, पकड़ो पकड़ो, मार जाओ, चले बाय बाय।